सो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कुछ कुछ बातें 5 मिनट कर रहा हूं मैं, ऐसी मन कर रहा है, कोई है नहीं बात करने के लिए, इसलिए ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, तो अभी कुछ न्यूज़ अपडेट्स है, और तो अपडेट ये आ रहा है कि 9th और 11th में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 9th एंड 11th दो क्लासेज हैं, इसको टारगेट किया गया है, और एक एग्ज़ाम होता है OBE, ये बाहर के देशों में होता है, ठीक है, और अपने देश में भी लागू किया जा रहा है। अब तुम बोलोगे OBE क्या होता है, किसी को पता है? OBC सुना है, OBC तो कैटेगरीज है कोटा की, पर ये कुछ और है, ये से बोलते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। पहले मैं आपको थोड़ा खुश करता हूँ, इसमें क्या होता है, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको फ्रीडम मिलेगी कि आप किताब खोल के कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको मिलेगा मौका कि आप जाओ अपनी किताब खोलो और पेपर को करो। तो आपको सुन के लग रहा होगा यार ये तो बहुत गजब चीज़ है, लेकिन बिलीव मी ये श्राप है एक तरह से उन बच्चों के लिए जिनमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है मतलब जिनका IQ लेवल बहुत कम है, या जिनको मतलब पढ़ लिया और एग्जाम में जाके लिख दिया और पास हो गए, जो ऐसा करते आ रहे हैं उनके लिए श्राप है, वो बच्चे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब ये खुश होने वाली बात होगी बहुत सारे लोगों के लिए कि भाई ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है। हमें ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब है कि जब आपको एग्जाम कराया जाएगा, ऐसे लेट नहीं आते बेटा इतना ज़्यादा, ठीक है, पाप होता है। सुनो, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा यार ये तो बहुत मजे की बात है, ये तो मजा आ गया कि 9th और 11th के लिए, भी 10th और 12th के लिए नहीं किया जा रहा है, और इस साल से ही होगा। लेकिन इसमें और भी बातें बताऊंगा, अभी वेट करो, सारी बातें थोड़ा जितना भी मतलब अभी जो जो मुझे लग रहा है वो बताऊंगा, इसके फायदे बताऊंगा और इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। फायदे बहुत ज़्यादा है, साइड इफेक्ट्स और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको बुक दिया जाएगा कि भैया करो, लेकिन जो पेपर बनेगा वो बहुत एक्सट्रीम टफ बनता है, एक्सट्रीम टफ, TOUGH, टफ, एक्सट्रीम टफ, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आएगा नहीं। अब ये वाला एग्जाम कौन कर सकता है, जिसको पूरी बुक बहुत अच्छे से, बुक का एक एक लाइन याद हो कि यहाँ पर ये है, ये टॉपिक यहाँ पर है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, और जिसको पूरा मतलब पता हो कि भाई वो मतलब एक तरह से उस सब्जेक्ट का भगवान बन गया हो। अगर आप 9th में है तो आपको उस सब्जेक्ट का भगवान बनना पड़ेगा। मान लो साइंस का पेपर है तो साइंस में आपको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, वो चीज क्यों है उसका मतलब पता होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है पता होना चाहिए। ओपन बुक एग्जामिनेशन रट्टाफिकेशन बिल्कुल ही जीरो कर देगा। अगर आप रट के याद करके पेपर में लिख के आके पास हो रहे थे और अपने आप को होशियार समझ रहे थे तो भूल जाओ। ओपन बुक एग्जामिनेशन हमारे देश को आज से 5 से 10 साल बाद बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बना देगा, ये मेरा ऐसा मानना है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप सोचो ना, आपको अगर आपको पास होना है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, कहता हूँ भाई नकल कर लो, अब वो बुक में कहाँ है, बुक के बीच से है, बिना बुक पढ़े कैसे पता लगेगा। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन बहुत टफ पेपर बनाता है, इसीलिए। और क्या चैलेंजेस है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुक खोल के कर सकते हो, तो आसपास अपने दोस्तों से देख सकते हो, मतलब ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा कि चीटिंग ना हो। चलो चीटिंग तो हर जगह होती है, फिर भी चीटिंग करके भी लोग इसमें पास नहीं हो पाएंगे, पास वही हो पाएंगे जिनको सच में सब्जेक्ट आता है, और ये 9th और 11th में किया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूज कि एज अ ट्रायल इस साल होगा, ऐसा कहा जा रहा है एज अ ट्रायल इस साल होगा, पर इस साल होगा ना तो वो होगा 20 से 25 स्कूल्स में इसकी टेस्टिंग की जाएगी इस साल ओनली। अब अगर आपकी किस्मत में वो स्कूल पड़ गया तो चांसेस है कि आप पास नहीं होंगे। क्यों सर ऐसा क्यों, हमारे सामने बुक रहेगा, हम क्यों नहीं पास होंगे भाई? क्योंकि आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा, पर अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हो, आप उस प्रकार के बच्चे नहीं हो कि आप भाई खुद से मेहनत कर रहे हो, खुद से दिमाग लगा रहे हो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हो, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनती बच्चे नहीं हो तो आपको कोई पास नहीं करा सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बहुत ही टफ आते हैं, इतने टफ आते हैं कि बुक में आपको लगेगा नहीं, बुक से आया ही नहीं है वो। तो 20 से 25 स्कूल में इसकी ट्रायल होगी और इसी साल होगा। अब ये आपका स्कूल में होगा तो अच्छी बात है, वैसे चांसेस है कि दिल्ली के स्कूल्स में ही हो, क्योंकि दिल्ली के बच्चों को थोड़ा पढ़ा लिखा माना जाता है, तो एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं के ऊपर ही होगा। तो देखो किसी के सपने स्कूल पढ़ता है ये। वैसे अगर इनका मूड खराब हुआ तो ये अगर किसी स्कूल ने या किसी बच्चे ने केस कर दिया भाई हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, सबके साथ होना चाहिए, या कुछ ऐसा वैसा फ्यूचर में होता है, तो सभी स्कूल्स में लागू किया जा सकता है एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स। कि अभी लोगों ने सोचा है कि 20 से 25 में करेंगे, ये तो पक्का हो गया है। तो भाई अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ इसके हिसाब से कि इस साल छोड़ो, अगले साल तक तो पक्का है कि भाई अगले साल नेक्स्ट साल कि ऑल ओवर इंडिया का चांस है कि ऑल ओवर इंडिया में अभी 9th और 11th के साथ करेंगे, और चांसेस है कि आगे 10th और 12th को 25-26 से कर देंगे। तो जो बच्चे अभी 11th में वो 12th में चले जाएंगे, और उस टाइम पर फिर OBE होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ले जाओ जितने ले जाना ले जाओ, मतलब आपको बोलेंगे कि भाई ये सब चीजें ले जा सकते हो, ये चीजों से कर सकते हो। अब क्या दिक्कत है कि जब आप 12th में जाओगे और आपने ईमानदारी से 11th नहीं पढ़ा है, बहुत दिल से 11th नहीं पढ़ा है, और आपके 12th में OBE हो गया, फिर आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जब वो ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे तो पक्का बोल रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो 11th और 12th को मिक्स करके पूछेंगे क्वेश्चन। अगर आप 12th में हो तो 11th के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछेंगे, और बिलीव मी 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो 11th से कनेक्टेड है,
तो अभी क्या बोला मैंने कि अभी जो हम पढ़ेंगे बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे, अब मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। थोड़ा सा बदलेगा क्यों, मैं अब क्या करूंगा जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको पीएचडी करवा दूंगा। पीएचडी मतलब इतना डिटेल में पढ़ा देंगे कि वो कहीं से भी क्वेश्चन बना ले, कैसा भी क्वेश्चन बना ले आपको आ जाएगा। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को, बहुत डिटेल में। डिटेल में तो हम पढ़ ही रहे थे लेकिन हम पढ़ रहे थे पुराने तरीके से, जैसे लोग पढ़ाते हैं, जैसे लोग पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे, अब टॉपिक को हम एक्सप्लोर किया करेंगे, एक्सप्लोर और ट्राई करेंगे जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जितने तरह की थिंकिंग बन सकती है। अब आपको देखो पहले जो हम पढ़ते ना वो थोड़ा सा पढ़ाई ऐसा होता है, जो भी अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसमें थोड़ा सा याद किया समझ लिया, याद किया समझ लिया, आगे बढ़ गए। अब याद करने का पंगा ही नहीं है, अब तुम्हें फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी देखने का फ्रीडम होगा। तो हम याद वाला पार्ट जो है ना वो खत्म कर देंगे, अब हम सारी बात किस पे रखेंगे, समझने वाली बात। तो आप लोग ट्राई करना कि समझना, साइंस लिए हो तो समझना ही समझना है, ठीक है। तो आज से जो हम पढ़ाने स्टार्ट करेंगे वो वैसे तो पहले भी हम यही कर रहे थे कि पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, लेकिन अब और हम ट्राई करेंगे, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे तो उस टॉपिक में हम टाइम लगाएंगे, काफी ज्यादा टाइम लगाएंगे, उस टॉपिक को गहराई से समझेंगे, सारे पॉइंट समझेंगे बढ़िया से। तो अभी से हम जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी होगा। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर्स को, है ना। तो अभी जो हुआ वो तो हो गया, ठीक है।